पोएट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. मतलब कि सबसे पावरफुल मुगल रूलर कौन था. आंसर क्या है, औरंगजेब. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. मतलब जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली नदी के किनारे पे सेटअप हुई थी. लेकिन ये हुगली नदी के किनारे पे सेटअप हुई कब थी. आंसर है 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो थी वो हुगली नदी के किनारे पर सेटअप हुई. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. अली वर्दी खान जो कि एक नवाब थे बंगाल के, उनकी डेथ के बाद बंगाल का नवाब कौन बना. आंसर है सिराजुद्दौला. मतलब अली वर्दी खान के डेथ के बाद सिराजुद्दौला जो था वो नवाब ऑफ बंगाल बना, जिसने कि ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो युद्ध किया था, लड़ाई की थी. द फोर्थ क्वेश्चन इज, द पोर्टुगीज हैज एस्टैब्लिश्ड देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन. मतलब जो पोर्टुगीज थे जो सबसे पहले भारत में अपना व्यापार करने के लिए आए थे, तो सबसे पहले वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ आए थे. और उनका बेस कहाँ था, तो उनका बेस कहाँ था, गोवा. ओके, तो आपको पता है कि हमारे भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए पोर्टुगीज आए थे. सबसे पहले आए भी वही थे और सबसे बाद में गए भी पोर्टुगीज ही थे. क्वेश्चन नंबर 5, विच बैटल इज फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री अकंपनी वॉर इंडिया. मतलब ये है कि कौन सी फेमस बैटल है जो कि पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश थे तो वो इंडिया में जीते थे, उस लड़ाई को उन्होंने जीत लिया था. तो वो कौन सी बैटल थी, द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुई थी. और उसमें सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे और उसमें ब्रिटिश जीत गए थे. क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इज. मतलब जो बैटल ऑफ प्लासी था जो कि 1857 में हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था. तो सिराजुद्दौला जो कि मतलब पावरफुल नवाब थे बंगाल के, तो उनके हारने का रीजन क्या था, एक मेन रीजन क्या था. तो आंसर है, मीर जफर सिराजुद्दौला's कमांडर नेवर फॉट द बैटल. मतलब जो मीर जफर था जो कि सिराजुद्दौला का कौन था, कमांडर था, उसने पहले कभी बैटल नहीं लड़ी थी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी, और वो सिराजुद्दौला का कमांडर था. तो वो जो था उसने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और वो अंग्रेजों की साइड हो गया. अंग्रेजों की साइड हुआ क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको लालच दिया था कि सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेज जो है उसको बंगाल का नवाब बना देंगे. इसीलिए मीर जाफर ने बैटल में सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और मीर जाफर जो था वो प्लासी का जो बैटल था उसको हार गया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज कॉल्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर. मतलब टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता था, तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था. तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था. उसमें क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, कि अगर किसी जगह का राजा, कोई राजा जो है उसका अगर अपना वारिस नहीं होता है, मतलब अपना कोई बेटा नहीं होता है, तो उसकी जो सारी जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के पास चली जाती थी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं होता था तो उसकी जो सारी जो विरासत है, जो जो उसका साम्राज्य है, वो सारा सारा पैसा वगैरह सारा जो है वो गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ प्लासी. जो बैटल ऑफ प्लासी था जो कि 1757 में हुआ था, उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था कि जो जो कि उस लड़ाई को लड़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बैटल ऑफ प्लासी में कौन था. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जिसने कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला के साथ में लड़ाई की थी.
The next question is, who was assassinated after the Battle of Plassey? मतलब जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उसके बाद उसको मार दिया गया था. तो 1757 जो प्लासी का बैटल हुआ था उसके बाद जो है वो सिराजुद्दौला को मार दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इज, मतलब कि जो सिराजुद्दौला जो थे जो कि बंगाल के नवाब थे और बहुत पावरफुल थे, वो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे, लेकिन उनकी हार का मेन रीज़न क्या था? जबकि वो बहुत पावरफुल थे फिर भी वो अंग्रेजों से जो प्लासी का बैटल था उसको हार गए, उसका मेन रीज़न क्या था? मीर जफर सिराजुद्दौला कमांडर नवाब फॉर द बैटल, मतलब मीर जफर जो था जो कि सिराजुद्दौला का क्या था, कमांडर था, उसने पहले कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी थी, और अंग्रेजों ने उसको लालच दे दिया कि हम सिराजुद्दौला की डेथ के बाद में हम आपको बंगाल का नया नवाब बना देंगे. तो इससे लालच में आकर मीर जफर ने सिराजुद्दौला को बैटल में क्या किया, धोखा दे दिया. वो अंग्रेजों के साथ साथ मिल गया और सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, जिससे सिराजुद्दौला जो थे वो प्लासी के बैटल को हार गए. थैंक यू.